नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की डॉक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे एचएसडी के मिथ्स के बारे में। मिथ्स जाने की जो आपको मिसकंसेप्शन है एचएसडी के टेस्ट को लेकर। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने एचएसडी करवा ली और एचएसडी के बाद हमारी गारंटीड प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि आप हमने एचएसडी करवा ली, डाई से जो है इंटरनल पूरा सिस्टम जो है वो वॉश हो गया है और अब प्रेगनेंसी पॉसिबल, अब प्रेगनेंसी गारंटी से हो ही जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कुछ परसेंटेज जो है 1-2% चांसेस प्रेगनेंसी के इम्प्रूव हो जाते हैं एचएसडी टेस्ट करने के बाद, बट गारंटी प्रेगनेंसी होना वो थोड़ा मुश्किल है। एचएसडी से एटलीस्ट हमें ये ज़रूर गारंटी पता चल जाता है कि रीज़न क्या है, ट्यूब्स का कहीं फैक्टर तो नहीं है। बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन तो नहीं माना जाता, बट ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एचएसडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। सो प्रेगनेंसी गारंटी नहीं करता, बट हमें ये पता चल जाता है कि ट्यूब्स की कारण से, ऐसा तो नहीं है कि ट्यूब्स की वजह से प्रेगनेंसी। नंबर सेकेंड, लोगों को जो मिथ रहता है एचएसडी के साथ वो ये है कि वो बहुत पेनफुल टेस्ट है। इतना पेनफुल है कि आपको बस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है और आप हॉस्पिटल में ही रहते हो और 2-3 दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचएसडी टेस्ट एनेस्थीसिया के अंदर किया जा सकता है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एचएसडी अपना शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंदर ही करवाएं। उससे एटलीस्ट आपको पेन का एहसास नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि पेन नहीं होता है एचएसडी में, बट कुछ लेवल का डिस्कम्फर्ट होता है। बट टेस्ट ना करवाना और इससे दूर भागना मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा पेनफुल चीज़ है, बजाय कि टेस्ट करना, बजाय कि एचएसडी के थोड़ी बहुत पेन को लेना। नाउ बहुत एक्सट्रीम पेनफुल टेस्ट ये नहीं होता है। आप सेम डे तो नहीं ऑफिस जा सकते, बट नेक्स्ट डे से आप ऑफिस जरूर जा सकते हैं। 80-90% ऑफ लोग अगले दिन से अपना ऑफिस करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड मिथ जो लोग सोचते हैं कि जिस मंथ में आपने एचएसडी करवाया है उस मंथ में आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, आप ट्राई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर जिस मंथ में आपने एचएसजी करवाया है उस मंथ में आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इम्प्रूव रहते हैं हमेशा। तो ये थे सारे मिथ्स जो एचएसजी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है एचएसजी को लेके, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। अगर आपको कोई और डाउट है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।